नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव, एडवोकेट, और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा, और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, अगर आपका वीडियो किसी प्रकार से धोखे से बना लिया गया है और फिर वो वायरल भी हो गया है, क्योंकि कई लोगों का ये कंप्लेंट आती है कि सर हमारा वीडियो जो था वो बनाया गया था और उसके बाद वो फेसबुक पर डाल दिया गया, फेसबुक पर वायरल कर दिया गया, तो क्या कोई रास्ता है जिससे वो हट जाए, या फिर क्या करना चाहिए अगर हमारा वीडियो वायरल हो गया है? तो मैं आज मैं आपको वही बताऊंगा कि अगर आपका वीडियो जो है फेसबुक पर अगर अपलोड हो गया है या किसी भी सोशल मीडिया पर अपलोड हो गया है तो उसको हटाया जा सकता है या फिर नहीं, या फिर उसके अगर वायरल होने के बाद तुरंत हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई लोगों की कंप्लेंट आती है, कई लोगों की हो जाती है, कई लोगों को धमकी दी जाती है। तो आज आपको मैं आपको विशेष रूप से वही चीज़ बताऊंगा कि क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास में कोई वीडियो कॉल आया है तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वो वीडियो कॉल मेरे किसी परिचित व्यक्ति का है या फिर अननोन का है। तो अगर अननोन व्यक्ति वो है, आपको जानता नहीं है और आप उसका वीडियो कॉल रिसीव कर रहे हैं, तो आपको बेहतर है कि आप उस वीडियो कॉल को रिसीव ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी स्कैमर का हो, किसी ब्लैकमेलर का हो, जो आपको बाद में परेशानी में डाल दे और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। लेकिन अगर वो आपके परिचित का है, आप जानते हैं उसको, तो आसानी से उठा सकते हैं, उसको आसानी से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जहां बात आती है अननोन व्यक्ति का, जो आप नहीं जानते हैं, वहीं पर दिक्कतें आती हैं और वहीं पर ऐसी चीज़ें का जन्म होता है जहां पर आप उस व्यक्ति को जानते नहीं हैं। ऐसे ही किसी व्यक्ति के पास में अगर अननोन वीडियो कॉल आना है तो उसको बचना है, और अगर मान लीजिए आप फिर भी उठाना चाहते हैं, उसको रिसीव करना चाहते हैं, तो आप पहले उस जो कैमरा आपके सामने फ्रंट कैमरा है उसको हाइड करें, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट से उसको छिपा लें, और फिर अपने बात आप उस व्यक्ति को देख सकते हैं कि वो व्यक्ति है कौन। अगर आपका परिचित है तो आप उससे बातचीत कंटिन्यू करें, और अगर नहीं है तो तुरंत डिस्कनेक्ट कर दें। यानी कि अगर कोई लड़की आपको वहां पर वीडियो कॉल में शो हो रही है, लड़की कोई दिख रही है, तो आप तुरंत उसको डिस्कनेक्ट कर दें। आप इसको थोड़ी देर भी बिल्कुल भी उसको ना देखें, क्योंकि अगर आपने देख लिया उसको या आपका फेस उस वीडियो में आ गया तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी और बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल आपको करना शुरू कर देंगे। बहरहाल बात करते हैं कि अगर आपका कोई धोखे से वीडियो बन गया है, यानी कि कुछ लोग ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वीडियो कॉल आया, रिसीव कर लिया अचानक से और धोखे से उनका वीडियो बन गया, तो आपको अब जो है वो तुरंत कुछ स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले, अगर आपके पास में ऐसा कोई अननोन जानकार मतलब नहीं है और व्यक्ति वो आपको कॉल किया है और आपका वीडियो बन गया है और आपको सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दे रहा है, तो उससे किसी प्रकार से आप प्यार से या किसी प्रकार से उस टाइम को आपको निकालना है और उस टाइम से उस प्रॉब्लम सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। उसके बाद अपना मन जो है वो शांत रखना है, आपको परेशान नहीं होना है और उसका सॉल्यूशन ढूंढना है कि मुझे करना क्या चाहिए। तीसरा ये है, अगर आप चीज़ें सामने आपके आ जाती हैं, आपको लग जाता है कि हाँ वो वीडियो कहीं ना मेरे बाल कर देगा या फिर करने सोच रहा है, तो उसकी कंप्लेंट जो तत्काल आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दें या फिर साइबर सेल में दें, ताकि आपकी दिक्कतों का जो दिक्कतें हैं आपकी उनका सॉल्यूशन हो सके। अब बात करते हैं कि अगर आपका वीडियो किसी प्रकार से अपलोड हो गया है, यानी कि कहीं ना कहीं वो वायरल हो गया है, या आपको जानकार है, आपको उसका लिंक भी पता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर उनका वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, तो वहीं पर आपको मिलेगा कोई, मान लीजिए मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ कि अगर आपका फेसबुक हो गया है, तो फेसबुक में अगर आपका कोई वीडियो अपलोड हो गया तो जहां पर सर्च बार आता है वहां पर अपने नाम से या फिर अपने मोबाइल नंबर से, आप दोनों से सर्च करें, तो अगर सर्च में अगर आपका वहां पर नंबर आता है या फिर वीडियो वगैरह आता है तो आप देख सकते हैं उसको, हाँ ये चीज़ आई है। फिर भी मैं कहता हूँ नहीं आता है, आप सर्च करने के बावजूद भी कहीं भी शो नहीं होता है, तो फिर वो ब्लैकमेलर हो सकता है कि आपको उस वीडियो का लिंक आपको शेयर करेगा, जो वीडियो आपके पास में आपका वीडियो अपलोड हुआ है, उसको जैसे ही आपको लिंक शेयर करता है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप फटाक से वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर वो वीडियो पड़ा हुआ है, यानी कि अपलोड हुआ है। अब उसको वीडियो को आप देख रहे हैं और भी लोग देख रहे हैं, तो देखते देखते आपको एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है कि जहां पर वो वीडियो चल रहा है वहीं पर साइड में कॉर्नर में जो है वो वहां पर तीन बटन डॉट डॉट तीन बार शो हो रहा होगा, वहीं पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट दिस वीडियो, वहां से अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्ट करने के बाद वो जो वीडियो आपका पड़ा हुआ है वहां पर आपसे रिपोर्ट का ऑप्शन पूछा जाएगा कि वो क्यों आप उसको हटाना चाहते हैं, हैरासमेंट है, वायलेशन है, या कोई अब्यूजिव है, या फिर कुछ और गलत चीज़ें हैं, तो वहां पर आपको वो ऑप्शन टिक करना है, चूज करना है, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर देना है। अगर वो रिपोर्ट आपकी सबमिट हो जाती है तो वो 24 घंटे के अंदर जो वीडियो हट जाएगा, या फिर आपको प्रॉपर तरीके से उसकी रिपोर्ट आपको आ जाएगी कि वो हटेगा नहीं या फिर हटेगा।
उसमें उस दौरान अगर वाकई गलत वीडियो है तो 100% आपका हट जाएगा, और अगर नहीं है, सही है, अच्छा है, तो वो नहीं हट पाएगा। क्योंकि आप ये ना समझे कि हर व्यक्ति पर हर चीज़ पर आप रिपोर्ट कर देंगे उसको तो हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपको वो चीज़ें इस तरीके से करनी है ताकि अगर आपको कहीं में गलत है तभी वो वीडियो हटेगा और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे द्वारा ये जानकारी थी, अगर आपको भी अगर ऐसा चीज़ें हो गई हैं और धोखे से आपका वीडियो बन गया है तो आप इन स्टेप्स को अपना सकते हैं। और अगर आप हमारी कोई लीगल एडवाइस हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी आप ले सकते हैं। तो बस इतना कहना चाहूँगा आज के वीडियो के लिए, आपसे बहुत धन्यवाद।